एंड दिस इज़ पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज़ द जुडिशल रिफॉर्म ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक तो जुडिशल रिफॉर्म हम लॉर्ड विलियम बेंटिक का यहाँ पर स्टडी करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए हैं आफ्टर द लॉर्ड कॉर्नवालिस तो कॉर्नवालिस ने भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म जो है जुडिशल सिस्टम में इंडिया में करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद जब थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे आए तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है यहाँ पे किए तो क्वेश्चन आपको जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक आ, के क्या सुधार थे उसको एक्सप्लेन करिए वैसे भी आ सकता है रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक आर डीम्ड सेकेंड टू दैट ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्लान की तरह ही आगे उन प्लान्स को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बढ़ाया है इनको आप यहाँ पे स्टडी करेंगे तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है देखिए द लॉर्ड बेंटिक बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द जुलाई 1828 ही कंटिन्यूड अप टू 1835 तो एटीन ट्वेंटी में बने थे 1835 तक जो यहाँ पे गवर्नर जनरल रहे ही रिफॉर्म द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू ग्रेट एक्सटेंट दैट ड्यू टू दिस ही रिमेन सेकंड ऑफ़ द लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस सॉरी इतना हद तक उन्होंने जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया कि उनको सेकंड माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का लॉर्ड कॉर्नवालस का सुधार जो है इससे पहले जो है आपके बाबल सीरीज में है एसोन इज ही बिकम द गवर्नर जनरल इन सॉरी एसून ही बिकेम द गवर्नर जनरल ही डाइवर्टेड हिज कंसनट्रेशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ बेटर बैलेंस्ड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो उसने एक बेटर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देने की कोशिश की उसके रिफॉर्म जो है हम तीन स्टेजेस में थ्री स्टेजेस में यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेजेस 1829 में सेकंड स्टेजेस में 1831 में थर्ड स्टेज में 1832 में तो यहाँ पे ये यह जो अलग अलग स्टेजेस हैं इसका मतलब यहाँ पे ये यह है कि जो फर्स्ट उसने यहाँ पे रिफॉर्म किए 1829 में उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स रहेगी तो उसने सेकंड स्टेज में फिर से कुछ रिफॉर्म्स किए 1831 में उसमें भी कुछ कमियां रह गई उसको उसने दूर किया स्टेज थर्ड में 1832 में तो वन बाय वन हम थर्ड तीनों स्टेजेस को यहाँ पे स्टडी करेंगे कौन कौन से रिफॉर्म यहाँ पे किए गए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आफ्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में आए थे एज ए गवर्नर जनरल और उन्होंने जो है एटीन में फर्स्ट स्टेज में कुछ सुधार जो है जुडिशियल सिस्टम में करने की कोशिश की गई आप पढ़ रहे हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे कैसे हुई है आज जो हमारे पास सिस्टम है कहीं ना कहीं हमने वो इंग्लैंड से ही लिया हुआ है तो उन्होंने जैसे जैसे इंडिया में जो है रूलिंग उनकी बढ़ती गई वो नया नया जो है रूलिंग जुडिशल सिस्टम भी इंडिया में लाते रहे और आज ही वो जुडिशल सिस्टम हम भी अडोप्ट कहीं ना कहीं उसको कर रहे हैं तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस था जो कि चलता गया और आज हमारे पास वही सिस्टम है सबसे पहले उसने क्या किया यहाँ पर हम देख लेते हैं द एबोल्यूशन ऑफ द सर्कट कोर्ट्स तो सर्कट कोर्ट्स को उसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया तो देखिए सर्कट कोर्ट्स आपने से पहले पढ़ी नहीं सर्कट कोर्ट्स को एक्चुअली जो है लॉर्ड कार्न वॉलिस ने बनाया था और लॉर्ड कार्न की जो सर्किट कोर्ट्स थी उसको यहाँ पे उसने एबलिश कर दिया देखने क्योंकि अंडर जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 नाइनटी द सर्किट कोर्ट्स वर इस्टबलिश बाय द लॉर्ड <coughs> कॉर्नवालिस तो मैंने जैसे आपको बताया कि सर्कल कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी दीज सर्कल कोर्ट्स वर एबलिश बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो इनको जो है खत्म जो है यहाँ पे कर दिया गया इट वाज अ ब्रॉड और लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स दैट लेटर ऑम द फंक्शंस ऑफ दीज सर्कल कोर्ट्स वर ट्रांसफर टू प्रोविंस प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस तो एक्चुअल में ये सर्किट कोर्ट्स क्या थी ये जितने भी सदर दीवानी अदालतें सदर निजामत अदालतें या इस कोर्ट्स उनके अगेंस्ट जो अपील को जो ये सुनती थी लेकिन इस इस रिफॉर्म में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है आ, इनको जो बनाया था इसको विलियम बेंटिक ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया तो पहला आपने ध्यान में रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो सर्क, सर्किट कोर्ट जिसको जो बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनको यहाँ पे जो है ख़त्म कर दिया सेकंड यहाँ पे है जुडिशल फंक्शन टू द रेवेन्यू कमिश्नर्स तो रेवेन्यू कमिश्नर जो थे इसको भी किसी ने बनाया था uh, कॉर्नवालिस ने बनाया था इसको भी यहाँ पर जो है उनको बड़ी सारी पावर यहाँ पर दी गई अंडर द जुडिशियल रिफॉम प्लान ऑफ ईर एटीन ट्वेंटी नाइन द प्रेजिडेंसी ऑफ बंगाल वॉज डिवाइडेड इन ट्वेंटी डिवीज़न एंड रेवेन्यू कमिश्नर्स वॉज अपॉइंटेड इन ईच डिवीज़न तो प्रेजिडेंसी जो बंगाल की थी उसको डिवाइड कर दिया गया इस सिस्टम के अंडर ट्वेंटी ट्वेंटी डिवीज़न में तो प्रेजिडेंसी ऑफ बंगाल जो थी उसको ट्वेंटी डिवीज़न में यहाँ पर डिवाइड किया गया और हर एक डिवीज़न में एक रेवे कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पर की गई फंक्शन ऑफ द जजेस ऑफ सर्किट कोर्ट और सर्किट कोर्ट के जो फंक्शन थे जिसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया अब अब सर्किट कोर्ट के जितने भी फंक्शन थे अब ये कौन परफॉर्म करता था ये कमिश्नर ही परफॉर्म करता था तो डबल कंट्रोल ओवर द दीज कमीशन तो इन कमीशन के पास डबल कंट्रोल था इन केस ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटी सर कोर्ट अंडर सट सदर निजामत अदालत एंड रेवेन्यू फंक्शन अंडर द सदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो इस कमीशन को देखिए अब यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए ये सारे के सारे जितने भी थे क्रिमिनल मैटर्स भी यहाँ पर देखता था क्योंकि सदर निजामत अदालत कोर्ट जो थी उनको भी यहाँ पर देखता था साथ ही साथ वो रेवेन्यू फंक्शन भी यहाँ पर करता था एज ए कोर्ट ऑफ सदर बोर्ड ऑफ वो रेवेन्यू तो सदर अदालत के और सदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड और क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड ये सारे काम अब कौन करना स्टार्ट कर गया था ये रेवेन्यू कमिश्नर करना स्टार्ट कर गया तो इसको हमने क्रिमिनल पावर्स भी दे दी एज़ वेल एज़ इसको रेवेन्यू फंक्शन भी यहाँ पे दे दिए जो कि आजकल का अगर हम देखें तो वो किसके पास होते हैं वो जो हमारे पास तहसीलदार होता है उसके पास होते हैं जो कि उनके पास ये सारी पावर्स जो हैं यहाँ पर होती हैं तो अब आपने देखा कि एक तो सर्किट कोर्ट उन्होंने ख़त्म कर दिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई थी सेकंड उसने रेवेन्यू कमीशन को जो है सारे क्रिमिनल और जो है साथ के साथ रेवेन्यू फंक्शन भी यहाँ पे दे दिए सर्किट कोर्ट के सारे फंक्शन जो है किसको दे दिए कमिश्नर को यहाँ पे दे दिए इन्हेंसमेंट ऑफ द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट वर इन्हेंस बाय द लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग्स अंडर द जुडिशियल फॉर्म प्लान द सेंटेंसिंग पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट वाज एक्सटेंडेड टू टू ईयर इम्प्रजनमेंट जो पहले कॉर्न uh, के टाइम पे जो भी जजेस थे उनकी पावर्स कम थी वो uh, कुछ जो है कोड़े लगा सकते थे कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्रिमिनल केसेस को सुन सकते थे लेकिन इस में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जज मजिस्ट्रेट को जो है बहुत सारी पावर दी उनको दो साल तक की इम्प्रीजमेंट देने का जो है पावर यहाँ पे दे दी द अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ मजिस्ट्रेट वर टू बी टेकन टू द कमीशन ऑफ सर्किट और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इसके अगेंस्ट भी अपील कौन सुनता था, था यही कमीशनर जो है सुनता था दिस प्लान ऑफ एंड वर्ल्ड तो ये जो प्लान था ये कॉर्न का जो है सक्सेस uh, नहीं हुआ तो उसका सेकंड प्लान यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट प्लान में आप देखेंगे तो तीन चेंजेस उसने की एक तो उसने सर्किट कोर्ट को जो है उसने ख़त्म कर दिया सर्किट कोर्ट जो पहले जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल की हाईएस्ट लेवल बॉडी थी क्रिमिनल सिविल से भी मैटर की अपील वो वहाँ पे सुनती थी तो सर्किट कोर्ट को उसने पहले ख़त्म कर दिया सेकंड उसने किया कि सर्किट कोर्ट की सारी पावर जो है उसने रेवेन्यू कमिश्नर को दे दी अब कमिश्नर जो है वो सारे क्रिमिनल मैटर भी देखता था एज वेल एज रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर भी वो सारे देखता था तीसरा उसने मजिस्ट्रेट की पावर यहाँ पर बढ़ा दी मजिस्ट्रेट जो थे अब वो कम से कम दो साल की सजा वो यहाँ पर दे सकते थे अब देखते हैं जो रिफॉर्म उसने एटीन में किए सबसे पहले उसने रिफॉर्म क्या किया ट्रांसफर ऑफ फंक्शन ऑफ द सर्किट कोर्ट टू द दीवानी अदालत यहाँ पे उसने एक काम और किया सर्किट कोर्ट के जो काम थे वो अब यहाँ पे तो यहाँ पे रिफॉर्म ऑफ ईयर थर्टी एटीन थर्टी वन में यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा क्या चेंजेस की द ट्रांसफर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द सर्किट कोर्ट टू द दीवानी अदालत तो पहले वाले स्टेजेस में आपने देखा था कि सर्किट कोर्ट के सारे फंक्शन जो थे वो किसको दे दिए गए थे रेवेन्यू कमिश्नर को दे दिए थे लेकिन कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं था कि रेवेन्यू कमिश्नर को आप जो है जितने भी हैं रेवेन्यू uh, कलेक्शन से रिलेटेड मैटर भी दे रहे हैं एज़ वेल एज़ आप जो है सभी सिविल और क्रिमिनल मैटर भी यहाँ पे दे रहे हैं तो इस सेकेंड स्टेज में विले uh, ने क्या किया, किया कि जो दीवानी अदालत को ये जो है सारे मैटर जो हैं दे दिए गए तो सर्किट कोर्ट टू दीवानी अदालत तो रेवेन्यू uh, कमिश्नर के जो मैटर्स थे अब ये किसको दे दिए गए दीवानी अदालत को दे दिए गए दीवानी अदालत को जो सिविल मैटर तो अब uh, जो ये जो uh, सर सॉरी रेवेन्यू कमिश्नर था ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के मैटर देखता था सिविल मैटर जो है सारे रेवेन्यू uh, कमिश्नर के सिविल मैटर सारे किसको दे दिए गए दीवानी अदालत को दे दिए गए आप यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं देखिए द फंक्शंस ऑफ द सर्किट कोर्ट वर ट्रांसफर टू द रेवेन्यू कमिश्नर बाय द बैंटिंग अंडर द प्लान ऑफ ईयर एटीन लेटर ऑन द बैंटिंग रिलाइज हिमसेल्फ दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दीज फंक्शंस वर असाइंड टू दिवानी अदालत ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नाउ दे वर एमपावर टू हेयर डिसाइड द केसेज सेंट बाय द मैजिस्ट्रेट तो ये सारे केसेज जो मैजिस्ट्रेट उनको सेंड करता था उनको वो सुनते थे कौन सुनते थे दीवानी अदालत सुनती थी देवर गिवन द स्टेटस ऑफ सेशन कोर्ट उनको सेशन कोर्ट का भी स्टेटस जो इंडिया में दिया गया दस दिस कोर्ट वॉल्ड एज द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट अब यहाँ पे देखिए आज का जो इंडियन सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होती है और सेशन कोर्ट भी होती है वो सारी पावर जो है यहाँ पे दी गई इट मींस कि जब सिविल मैटर को डिसाइड करना होता है तो वो सिविल जज बन जाता है और जब उसने जो है क्रिमिनल मैटर को डिसाइड करना होता है तो सेशन कोर्ट जो है बन जाता है तो यहाँ पे आपने देखा कि दीवानी अदालत को जो है डिस्ट्रिक्ट को सारे फंक्शन दिए गए आज भी इंडिया में आप पढ़ते होंगे कि जिला और सत्र न्यायालय तो जिला और सत्र न्यायालय जब हम बोल रहे होते हैं तो जिला जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सभी सिविल मैटर्स को यहाँ पे देख रहा होता है और जब हम सेशन कोर्ट की बात करते हैं तो वो सारे क्रिमिनल मैटर्स को यहाँ पे देख रहा होता है ये ध्यान में रखना आपने और यही सिस्टम जो है उस टाइम पे स्टार्ट किया गया तो सेशन कोर्ट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वहाँ पर बनाए गए सेकेंड यहाँ पे है एग्जिक क्यूशनज फंक्शंस ऑफ द कलेक्टर तो कलेक्टर के जो फंक्शन थे उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया एज पर द प्रवलिंग अरेंजमेंट द जज ऑफ़ दीवानी अदालत वर परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट तो यहाँ पे आपने देखा कि दीवानी अदालत जो थी वो सिविल मैटर्स तो देख ही रही थी क्योंकि पहले प्लान में बेंटिक ने क्या किया था कि रेवेन्यू कमीशन को ही दीवानी और क्रिमिनल मैटर सारे दे दिए गए थे लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू कमीशन को सिर्फ रेवेन्यू मैटर दिए और बाकी सारे मैटर जो है दीवानी अदालत को वहाँ पर दे दिए जो ऊपर आपने पढ़ा तो यहाँ पे जो कलेक्टर था वो सारे काम जो है दीवानी फंक्शन भी कर रहा था और मेजिस्ट्रेट फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा था मैजिस्ट्रेट फंक्शन इज क्रिमिनल मैटर भी देख रहा था विच इंक्रीज़ द प्रेशर ऑफ वर्क और दीवानी अदालत इससे जो है दीवानी अदालत का बहुत ज़्यादा वर्क लोड बढ़ गया ये आप अभी देखा ना कि दीवानी अदालत को उन्होंने सारे मैटर जो है ट्रांसफ़र कर दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे सिविल मैटर क्रिमिनल मैटर भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए और यहाँ पे फिर जो है दीवानी अदालत का बहुत सारा काम जो है बढ़ गया हैंड्स द वर्क ऑफ मजिस्ट्रेट वर्क हैंड ओवर द कलेक्टर बाय द बेंटिक अंडर द प्लान ऑफ तो यहाँ पे उन्होंने किया कि कलेक्टर कि को ये जो मजिस्ट्रेट के सारे फंक्शन जो है यहाँ पे उन्होंने दे दिए क्रिमिनल मैटर जो है उन्होंने किसको दे दिए कलेक्टर को यहाँ पे दे दिए तो एज ए मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जो है कलेक्टर अब काम करना स्टार्ट हो गया आज ऐसा नहीं होता है कलेक्टर जो होता है सिर्फ रेवेन्यू मैटर देता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर दिखता है मजिस्ट्रेट जो है क्रिमिनल मैटर जो है देखता है इसके अलावा पावर फॉर द केसेस ऑफ रेंट तो रेंट से रिलेटेड जो जितने भी मामले थे ये द कलेक्टर वर नाउ इम पावर टू एक्सरसाइज डिजिकाइड सूट रेंट से रिलेटेड किराए से रिलेटेड जितने मामले होते थे इनसे रिलेटेड पावर भी किसको दे दी कि कलेक्टर को दे दी तो कलेक्टर देखिए अब यहाँ पे कलेक्टर जो है यहाँ पे दो तरीके की पावर जो है रख रहा है एक तो उसके पास आगे सारी रेंट से रिलेटेड पावर दूसरी उसके पास सारी मजिस्ट्रेट की पावर भी जो है आ जाती है और मजस्ट्रेट आपको पता है कि मजिस्ट्रेट जो है दो साल तक की सज़ा भी जो है क्रिमिनल मैटर में जो है दे सकता है इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इस्टेबलिशमेंट और सदर अदालत इन इलाहाबाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिफॉर्म जो है विल बैंटिक ने किया उसने इलाहाबाद इलाके में बड़ी सारी अदालतें जो हैं सदर अदालतें यहाँ पर बनाई तो उन्होंने जो है यहाँ पे तो हाँ सदर अदालत बनाई एक सदर दीवानी अदालत बनाई और सदर निजामत अदालत जो है उन्होंने विलियम बेंटिक ने जो है इस प्लान के अंडर जो है इलाहाबाद में भी बना दी जिससे जिससे क्या होता है कि जस्टिस जो है थोड़ा और इजी हो जाता है आम लोगों के लिए इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा सुधार जो है यहाँ पर उन्होंने किया कि इंडियंस को इंक्लूड किया है जुडिशल सिस्टम में इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडियन जो है प्रॉपरली जुडिशल सिस्टम में इंक्लूड नहीं थे तो यहां पर उनको जो है इंक्लूड किया गया एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द प्लान ऑफ लॉर्ड विलियम्स बेंटिक इज गिवन टू इंक्लूजन

इंग्लिश लॉ को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इंडियन ने, इंग्लिश नेटिवस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इंडियन की पार्टिसिपेशन बहुत कम रखी जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में बट अगेंस्ट टू द लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर जो उन्होंने पॉलिसी में शिफ्ट किया और इंडियंस को भी जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में मौका मौका दिया सॉरी क्या क्या चेंजेस उन्होंने की एन इंडियन कैन बी अपॉइंटेड टू तो द पोस्ट ऑफ मुंसिफ मुनसिफ की पोस्ट जो होती है सबसे लो लेवल का जो जज होता है यहाँ पे मुंसिफ होता है उसको भी यहाँ पे इंडियंस को अपॉइंट यहाँ पे किया गया दे वर टू रेगुलर रेगुलर सैलिड ऑफिसर्स होता था गवर्नमेंट का दे कैन डिसाइड सूट अप टू द वैल्यू ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज तो तीन सौ रुपये तक के जितने भी सिविल मैटर उनको वो ये मुनसिब सुन सकता था तो इंडियन को जो है जुडिशल सिस्टम में इंक्लूड किया गया इसके अलावा देखिए लाइक वाइज द इंडियन वॉज नाउ एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सदर अमीन तो इससे ऊपर मुनसिब से ऊपर होता है सदर अमीन जो जिसको आज जूनियर डिवीज़न सीनियर डिवीज़न बोला जाता है उस लेवल का जो था तो जज भी जो है कौन बन सकता था इंडियन बन सकता था और एक हज़ार रुपये तक के मैटर वैल्यू के सूट तक वो डिसाइड कर सकता था इसके अलावा द तो कैटर ऑफ प्रिंसिपल सदर अमीन वॉज ऑल्सो अवेलेबल अब जो है प्रिंसिपल सदर अमीन जो सबसे बड़ा कैटर होता है उस लेवल का उस वो भी इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया इट मीनस इंडियन भी प्रिंसिपल सदर अमीर बन सकता है जो कि पाँच हज़ार रुपये तक के मामले जो है वो सूट को फाइनलाइज जो है कर सकता था इस तरीके से सिविल मैटर में जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया कॉरन वॉलेस के टाइम पे ऐसा नहीं था लेकिन विलियम मैंटिक ने इंडियंस को जुडिशल सिस्टम में इंक्लूड किया मेनली जो है सिविल मैटर में इन्वॉल्व किया और यहाँ पर वो मुनसिफ़ या सदर अमीन या फिर प्रिंसिपल सदर अमीन जो है वहाँ पर बन सकता था इसके अलावा अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर एब्लिशमेंट द प्रोविशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड द कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रा ये दोनों कोर्ट जो थी कॉर्नवालिस ने बनाई थी एक प्रोविशियल कोर्ट्स जो कि सबसे बड़ी कोर्ट हुआ करती थी उस टाइम पे और कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार भी उन्होंने बनाई थी दो प्रन्शल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड द कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रॉर एब्लिश बाई दिस प्लान तो इस प्लान के अंडर एविल ने इन दोनों कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया नाउ द जिला एंड सिटी दीवानी अदालत ये आपको ध्यान में रखना है ज़िला एंड सिटी अदालत जो थी वो सबसे बड़ी कोर्ट थी डि uh, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट जो थी इनके अगेंस्ट जो अपील जो कहाँ पे की जाती थी सिटी दीवानी अदालत में की जाती थी इससे पहले प्रोविंशियल कोर्ट और वहाँ पर अपील ऑफ रजिस्ट्रार होती थी ठीक है जी तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पुराने वाले प्लान में प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड रजिस्ट्रार कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार होती थी जो कि अपील्स सुनती थी सदर और दीवानी अदालतों की लेकिन यहाँ पर अब इन प्रोविंशियल कोर्ट को ख़त्म कर दिया और इनकी जो दीवानी अदालतें और सदर अदालतें जो हैं जो आपने ऊपर पड़ी इनकी अपील सुनती थी सिटी दीवानी अदालत दस द बेस्ट एफर्ट वर मेड बाय द लॉर्ड विलियम्स बेंटिक बाय द प्लान ऑफ रिफॉर्म जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन इट वज विस सफर्ड इसमें भी बड़ी सारी कमी जो है यहाँ पर रह गई तो थर्ड स्टेज यहाँ पे आ जाती है रिफॉर्म ऑफ ईयर एटीन थर्टी तो टू बड़ी सारी कमियाँ थी तो उन्होंने एक और प्लान बनाया जिसमें बिगिनिंग ऑफ द ज्यूरी सिस्टम अभी यहाँ पर विलियम बैटिक जो है सिस्टम लेके आए जूरी सिस्टम में क्या होता है कि एक जज को जो असिस्ट करते हैं कुछ जूरी मेंबर्स और उनकी कंसेंट्रेट डिसीजन जो है लिया जाता है लॉर्ड विलियम्स बैटिक्स वर स्ट्रॉली हैविंग अ विश टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ द रेप्यूटेड इंडियंस टू द इंग्लिश मैन जस्टिस एंड ऑफिसर सिंह दिवानी जुडिशियम जुडिशियल दीवानी जुडिशियल बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिक ये चाहते थे कि जो इंडियन रेप्यूटेड इंडियंस हैं वो असिस्ट करें इंग्लिश मैन जस्टिस को जस्टिस और ऑफिसर्स को तो वो उसकी बहुत विश थी प्रोविजन वर मेड टू फॉरवर्ड द केसिस ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन टू द ज्यूरी बाय द इंग्लिश मैन जस्टिस बट द फाइनल डिसीज़न ऑलवेज बेस्ट द जज ऑफ द कोर्ट तो यहाँ पर प्रोविजन ये किया गया कि जो इंग्लिश मैन जस्टिस हैं जो जज जो हैं इंग्लिश मैन वो किसी भी केस को एग्जामिन करने के लिए जो है इंडियंस को दे सकते हैं रेपेड इंडियन ज्यूरी जो होती उसको दे सकते हैं लेकिन उनकी कंसेंट वहाँ पे जरूरी नहीं थी डिसीज़न जो होता था वो जो है हमेशा कोर्ट के जज ही लेते थे लेकिन उनकी कंसेंट वहाँ पे उनकी जो है आ, किस एडवाइस जो है ली जा सकती थी तो विलियम एंटिंग ये चाहते थे कि इंडियंस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए एज ए ज्यूरी तो जहाँ पे इन, जो है उसको इंक्लूड किया जाए इसके अलावा पंचायत तो पंचायत भी वही होती है जिसको हम ज्यूरी लेवल ही बोल सकते हैं तो वो ज्यूरी जो है थी उसके लिए उन्होंने जूरी को उन्होंने पंचायत का नाम दिया English Judge. English पावर वर डेलीगेटेड टू इंग्लिश जज इंग्लिश जजेस को ये पावर दी गई वो किसी भी सिविल मैटर को जो है उसकी एग्जामिनेशन के लिए पंचायत को सौंप सकते हैं पंचायत जो है उसकी इसकी फैक्ट को देखेगी और इसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट को देगी तो सिविल मैटर में विलियम बैंटिक ने जो है इंडियंस को रेप्यूटेडेड इंडियंस को जो है, है जुडिशल सिस्टम में अलाउ किया एज ए जूरी एसेसरीज तो एसेसरीज भी यही है इंग्लिश जजेस जो है वो इंडियन एज ए एसेस एस उनकी हेल्प जो है ले सकते हैं इन एडिशन टू द इंडियन मे बी मेम्बर ऑफ़ द कोर्ट ऑफ असिस्टेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस तो कोर्ट uh, को असिस्ट वो कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के टाइम पर वो जो है इंग्लिश को जो असिस्ट कर सकते हैं हेल्प जो है उसको जो है कर सकते हैं तो इवेल्यूशन कर लेते हैं अब आप आपने देखा कि थ्री फेजिस में जो है यहाँ पे सुधार जो है करने की कोशिश की तो यहाँ पे कुछ जो है फायदे भी हुए हैं इस सिस्टम के उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के क्या क्या उसके जो रिफॉर्म थे उसमें क्या क्या, क्या कमियाँ यहाँ पर रहेंगी उनको यहाँ पर डिस्कस कर कर लेते हैं पहले तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यू टू मर्जर ऑफ द जुडिशियल एंड रेवन्यू ऑफ द फंक्शन बाय बेंटिंग जुडिशियल फंक्शन सफर्ड मच वेयर एज दिस फंक्शन वर सेग्रीगेटेड बाय द लॉर्ड कॉर्न वॉल्स इन दयर सेवनटीन नाइनटी थ्री तो सेवनटीन नाइनटी थ्री में जब लॉर्ड कॉर्न वालिस इंडिया के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने जुडिशल फंक्शन को हमेशा रेवेन्यू फंक्शन से अलग रखा लेकिन बेंटिक ने कहीं ना कहीं जुडिशल फंक्शन को और रेवेन्यू फंक्शन को इकट्ठा कर दिया जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जैसा सेकेंड फाइनलाइजेशन ऑफ़ द केसेज ऑफ रेंट एंड द फंक्शन ऑफ़ द मजिस्ट्रेट वर्क गिवन टू द कलेक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेंट से रिलेटेड फंक्शन आपने देखे और मजिस्ट्रेट से रिलेटेड फंक्शन उन्होंने कलेक्टर को दे दिए जिसके वजह से जो है कलेक्टर यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया और पब्लिक को बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे हुआ क्योंकि वो जज भी बन गया साथ में वो रेंट के मामले भी देखने लगा तो ये जो है ठीक नहीं होता है किसी एक को जो एक ही पावर देनी चाहिए और उसमें इंटरफेरेंस कोई और नहीं होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे सारे फंक्शन जो है कलेक्टर को दे दिए लेकिन और वो पावर्स का मिसयूज करना स्टार्ट हो गया वन ऑफ द रिवर्सल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड बाय द बेंटी क्रिएटेड डेंजर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जितनी भी पॉलिसीज थी उनमें जो चेंजेस जो थी बैंटिक ने की उससे भी पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स हो रहे हैं और एक सिस्टम से हम अडॉप्ट होते नहीं है कि दूसरा आ जाता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है पब्लिक को हुआ इवन आफ्टर दीज डिफेक्ट्स यहाँ पर बहुत सारे जो है फ़ायदे भी इस सिस्टम के हुए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू द इस्टैब्लिशमेंट सदर दीवानी अदालत एंड सदर निज़ामत अदालत इन एहाबाद द रेजिडेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बिकम इलिजिबल टू गेट जस्टिस तो अलाहाबाद में उन्होंने नई सदर दीवानी अदालतें और सदर निजामत अदालत बनाई आपने देखा वहाँ पर इससे जो है वहाँ के जो लोग थे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के जो लोग थे उनको जस्टिस लेना थोड़ा सा चीप हो गया सेकेंड इंक्लूजन ऑफ नेटिव अवेयर इज लेवल इन द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस बाय द बेंटिक्स वेयर इज द कॉर्नवाल नेटिव आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सबसे बड़ा सुधार जो है विलियम बेंटिक का यही था कि कॉर्नवालिस हमेशा ही इंडियंस को जो है नेटिव्स को थे वो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस से अलग रखते थे लेकिन यहाँ पे विलियम बैक्टरी ने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में जो नेटिव थे इंडियंस थे उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया आपने देखा एज ए जूरी वहाँ पे आगे वो वो जो है मुंसिब बन सकते थे इसके अलावा सदर अमीन और प्रिंसिपल सदर अमीन वो यहाँ पर बन सकते थे तो बड़े सारे जो है पावर्स जो है जुर, जुर, सिविल मैटर में जो है किसको दी गई इंडियंस को वहाँ पे एज ए पंचायत जूरी और मुंसिफ वहाँ पे दी गई तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे विलियम बेंटिक ने किया सबसे बड़ा सुधार जो यहाँ पे किया थैंक यू सो मच यहाँ पे आपको विलियम uh, बेंटिक का प्लान समझ में आया होगा और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है मैसेज uh, भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे